फाइनली दोस्तों राइडर बुक करके मैं घर पे आ गया और जल्द से जल्द वहाँ से हम डिलीवरी ले लेंगे। गाड़ी भी मुझे अच्छी लगी, अच्छी गाड़ी है, माइलेज भी अच्छा दिया। बट भाई वीडियो को आप पूरा देखना, जब हम कभी भी गाड़ी लेने जाते हैं शोरूम वाले अपने पूरे दस्तावेज बता देते हैं, अच्छी माइलेज गाड़ी, मतलब आप कोई भी वेरिएंट गाड़ी की उठाओ किसी भी कंपनी की, सब अच्छा ही रहता है, कुछ ख़राब नहीं रहता। अब जहाँ बात इंश्योरेंस की आई तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि मंत्रालय ने, परिवहन मंत्रालय ने परमिशन दिया है कि बाइक पे 5 साल का इंश्योरेंस मैंडेटरी है और कार पे 3 साल का। लेकिन आपको जो 5 साल का एक साथ वो पैसे ले रहे हैं ना, 1 साल के बाद वो थर्ड पार्टी में हो जाता है, और ये बात भाई शोरूम वाले कभी नहीं बताते। तो मैं अभी मेरे गाड़ी का 2021 में नवंबर या दिसंबर में मैंने लिया था, मैं आपको पूरा इंश्योरेंस दिखा देता हूँ, उसमें लिखा हुआ भी है, लेकिन ये बात शोरूम वाले ने जिक्र नहीं किया था ना, तो वहाँ मतलब जो भी पेपर वर्क हुआ था वहाँ ये बात बिल्कुल जिक्र हुआ ही नहीं था और हमने भी पेपर पढ़ा नहीं। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और भाई सुबह के 11 बज गए हैं, कल मैं गया था गेहूं का बोझ ढोने तो मेरे बैक में यहाँ पे थोड़ा सा मोच आ गया है, तो मैं आज ज़्यादा कुछ काम तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन घर के बाकी जितना हो सका मैंने काम कर दिया। और फाइनली आज हम जा रहे हैं न्यू बाइक बुक करने। पहला तो मेरा फर्स्ट टारगेट है इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज कोई दूसरी अच्छी TVS ही का, TVS कंपनी का ही लूँगा, कोई अदर कंपनी का नहीं लूँगा। लेना तो श्योरिटी है कि TVS का ही लेंगे, तो शोरूम पहुँचने के बाद हर महीने कंपनी एक नई बाइक लॉन्च करती है, तो देखते हैं कौन सा अच्छा बाइक होगा वही लेंगे। बिकॉज कल मैं अपना TVS स्पोर्ट लेके गया था भाई, और थोड़ा तूफान आ गया, उसमें बाइक पीछे हट गई और मुझे उतना लंबा समय वेट करना पड़ा। तो अभी होता हूँ तैयार और निकलता हूँ शोरूम के लिए, जहाँ से अपने ये TVS लिया था उसी शोरूम पर चलते हैं। सो दोस्तों, मैं तो नहा धो के एकदम रेडी हो गया गांव के ठंडे ठंडे पानी से, हैंडपम्प है यहाँ पे, कोई बोरिंग सिस्टम तो है नहीं। और अब पहले खाना खाऊंगा और खाना खा के फिर निकलूँगा शोरूम के लिए। तो चलते हैं पहले खाना, सॉरी पहले चलते हैं खाना फिनिश करते हैं। भाई दिन के 12:30 बज गए, ये देखो मैडम का काम ख़त्म नहीं होता, हमें जाने की फुर्सत नहीं होती। अब इतनी कड़क धूप में अब जाएंगे शोरूम पे, फिर गाड़ी चेक करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। शादी मत करना, ये बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, ज़्यादा बोल गया तो शाम को पीट जाऊँगा। चलता हूँ शोरूम पे। भाई ये देखो मेरी TVS स्पोर्ट बाइक है, और ये हमें एनिवर्सरी पे मिली थी, आकांक्षा की मम्मी ने गिफ्ट दिया था उनको। भाई आ गया शोरूम में, और देखो इतनी ढेर सारी गाड़ी खड़ी है, बट इलेक्ट्रिक अभी इनके यहाँ आई नहीं है। थोड़ा सा देखते हैं कौन सा बेटर पड़ेगा, वही चॉइस करते हैं। ये देखो ये है सिंगल डिश है, आगे 1.48 की ये है, ये भी ये शायद डबल डिश है, 1.53, ये 1.53 की है, अपाचे BS6 है ना, ये भी डबल डिश है, तो ये तो नहीं जम रही भाई, 1.53 की है। ये रही राइडर, यह है 1.19 की, दोनों डिश है, नहीं सिंगल डिश है इसमें, 1.19 की है, मॉडल बढ़िया दिया है। यहाँ तो हल्का ही फाइबर है, इधर भी हल्का फाइबर है राइडर का, और ये तो मेरी गाड़ी है यही मॉडल स्पोर्ट, और ये है रेड ऑन, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए राइडर बेटर होगा, प्राइस भी कम है, माइलेज भी अच्छा है, स्ट्रांग भी है, और काफ़ी चेंजेस। देखो इसमें किक सिस्टम नहीं है, ये गाड़ी में किक है ही नहीं, सेल्फ पे है, किक है अपाची में भी नहीं है भाई, अपाची में भी नहीं, किक सिस्टम ही बंद कर दिया। राइडर डन करते हैं भाई, अच्छी गाड़ी है राइडर, राइडर का बढ़िया माइलेज भी बता रहे हैं, तो राइडर डन करते हैं। और भाई एक नया अपडेट मिला यार यहाँ पे आके, आप जो बाइक लेते हो ना वो बाइक का आपको 5 साल का इंश्योरेंस मिलता है,
एक साल के बाद अगर आपने रिन्यूअल नहीं कराया तो वो थर्ड पार्टी में चला जाता है, मतलब कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो थर्ड पार्टी को पैसे मिलेंगे, आपके एक्सीडेंट का कोई रिकवरी नहीं होगा। तो और बाकी का यहाँ का पेपर वर्क करते हैं और फिर निकलते हैं घर। भाई मैं तो निकल रहा हूँ, राइडर कर दिया डन, हो गए सारे पेपर वर्क, बट भाई यही इंश्योरेंस का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना, ये थोड़ा सा इशू दे रहा है। तो अभी चलते हैं घर और ज़रा इसका इंश्योरेंस पेपर चेक करते हैं क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो राइडर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन के अंदर पिकअप कर लेंगे यहाँ से। तो अभी निकल रहे हैं घर के लिए। भाई ये है हमारे इंश्योरेंस का पेपर, ये देखो मेरे नाम पे गाड़ी है, शशांक पांडे मेरा एड्रेस है। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर के नीचे आप आओ, ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस फॉर ओडी ओनर डैमेज 11/12/2021, यानी कि हमने 12वें महीने में दिसंबर में ये गाड़ी लिया था। अब इसमें लिखा क्या है नीचे, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस टीपी थर्ड पार्टी 11/12/2021 से ये जाएगा आपका, क्लियर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 11/12/2021 से ये जा रहा है 10/12/2026, यानी एक साल के बाद। भाई जब मैंने गाड़ी ख़रीदा दिसंबर में 2021 दिसंबर से 2022 दिसंबर तक, ये गाड़ी भाई मतलब अगर कोई भी एक्सीडेंट होता, मेरा जो लॉस होता गाड़ी का वो पूरा रिकवर करके इंश्योरेंस कंपनी देती, लेकिन ये 2022 जैसे ही इंश्योरेंस का एक साल का पीरियड ख़त्म हुआ, ये इंश्योरेंस चली गई थर्ड पार्टी में। अब आप यहाँ देखो बाकी का पेपर का जो भी है डेटा वर्क यहाँ पे दिया हुआ है। और थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है भाई कि अगर गाड़ी कहीं भी एक्सीडेंट करती है तो थर्ड पार्टी का जो भी लॉस होगा उसे कंपनी पे करके देगी, बट आपका एक भी रुपये पे करके नहीं देगी। जैसे कि अब गाड़ी मैं रोड पे लेके जा रहा हूँ और ये मेरी गाड़ी भी थोड़ा सा पीछे इंडिकेटर डैमेज हुआ है, उन्होंने बोला 2000 से कम का अगर कोई भी खर्चा रहता है तो वो इंश्योरेंस कवर नहीं करता। चलो 1200-1500 रुपये जो भी आएगा मैं उसे अपनी जेब से पे कर दूंगा, बट भाई मैं ड्राइवर हूँ, मेरे चैनल पे ज़्यादा करके ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक गाड़ी का ही वीडियो आप देखोगे, मैं रोड पे गाड़ी चलाता हूँ और रोज़ का मेरा वही रूटीन काम है, मुझे पता है कि रोड पे क्या होता है। अब इन केस गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है थर्ड पार्टी का जो भी खर्चा होगा वो तो इंश्योरेंस पे करके दे रहा है, लेकिन अगर हमारी गाड़ी का लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस का पैसा भर के भी भाई हमें अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है, क्या मतलब है। अब इसके लिए वो क्या बोल रहे हैं कि आपको हर साल इसे रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ये बात तो पहले नहीं बताते जब आप गाड़ी लेने जाओगे ना, तो ये चीज़ों नहीं बताते। जब आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाओगे तब ये चीज़ों बताते हैं। अभी गाइज मैं आपको गाड़ी के पास लेके चलता हूँ, मेरी गाड़ी मात्र 7600 किलोमीटर चली है, 2024 चल रहा है, 2021 के लास्ट में लिया था, आप समझ लो 22 ही 2 साल में हमने 7600 किलोमीटर चलाया है, थोड़ा सा इंडिकेटर डैमेज हुआ है, ठीक है मेरी गाड़ी खड़ी रहती है कहीं जाती नहीं, बट रोड पे चलते हैं इनकेस अगर कोई हादसा हो जाता है, गाड़ी का लॉस होता है, तो मतलब कि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, मैं थर्ड पार्टी को कंपनी पे करेगी मुझे नहीं देगी, क्या मतलब है। अब मैं ठीक है चलो गवर्नमेंट का रूल है मैं उसे फॉलो भी करता हूँ, बट ये बात शोरूम वालों को बताना भी तो चाहिए। चलते हैं अभी गाड़ी के पास। भाई गांव में पूजा चल रहा है तो माइक की आवाज़ आ रही है, अभी पूजा में भी पहुंचना है। ये मेरी बाइक है और ये देखो इंडिकेटर आप ये जो देख रहे हो टूट गया है, बस इसी इंडिकेटर के लिए गया था क्योंकि ये बारिश में पानी भर जाएगा, मुझे ओरिजिनल चाहिए था। थोड़ा सा गाड़ी पे और डेंट है, थोड़ा सा बम्फर पे खरोच आ गया है और थोड़ा सा इस साइड पे खरोच आया है, यहाँ हेडलाइट के अगल बगल हल्का हल्का खरोच है, तो मुझे लगा था मैं एक बार देख सकते जैसे ये सब, अब ये सब स्क्रैच आ गए हैं, गाड़ी भी नई है तो लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है, तो मैं सोचा था कि इसे बढ़िया से रिकवर करा देते हैं, इंश्योरेंस तो है ही। और गाड़ी आप देखो 7628 किलोमीटर चली है, बट गाड़ी इस समय गाड़ी का जो खर्चा आएगा नॉन इंश्योरेंस में है, गाड़ी का कोई वो नहीं मिलेगा, और ये गाड़ी भी मात्र 3 सर्विस हुई है, और ये बात मुझे बिल्कुल बताए नहीं, मुझे बस इसी बात का गुस्सा आ रहा है भाई। तो अगर आपके पास आपने अभी हाल में ही बाइक
या कार खरीदा है तो भाई एक बार जरूर इंश्योरेंस चेक करो, क्योंकि अब ब्लू स्मार्ट भी पैट से काटना शुरू कर दिया एक्सीडेंट में, क्योंकि थर्ड पार्टी का होता है तो उसका जो रिकवरी खर्चा आता है वो ड्राइवर से लेता है। सो गाइज, वीडियो में इंश्योरेंस की बात हमारी, इसके लिए हमने अपना रखा इंश्योरेंस के रिलेटेड कि भाई दिल्ली में मैं रहता हूँ, मेरे बहुत सारे भाई हैं जो स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट रैपिडो में अपनी बाइक ऐड करके अर्निंग करते हैं। अच्छा लगता है भाई उनसे मिलके, और बहुत सारे लोगों ने बाइक ले रखा है EMI पे, तो क्या रहता है साल भर के बाद शायद उन्होंने पेपर सही से अगर रीड नहीं किया होगा, और एक स्पीड भी रहती है क्योंकि उन्हें फास्ट डिलीवरी करनी रहती है और फास्ट लोकेशन पर पहुँचाना भी रहता है, तो ऐसे सिचुएशन पर अगर कोई हादसा होता है तो उन्हें क्लेम नहीं मिलेगा। तो इस रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया। और भाई हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, सर दर्द चल रहा है, बैक में पेन भी है बहुत ज़्यादा, मोच आई है। तो गाइज आज का हम अपना ब्लॉग यहीं पे करते हैं कंप्लीट, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।